फाइनली 2021 आ गया और 2020 हमने पीछे छोड़ दिया, लेकिन बदला क्या है? लाइक लोग खुश क्यों हो रहे हैं? 4, 3, 2, 1, 0 हे हु हे पार्टी डिस्को डांस सेलिब्रेशन ये वो, चल ठीक है कर लिया सेलिब्रेट, बहुत अच्छी बात है तालियां, लेकिन बदला क्या है? एक्सेप्ट कि हमने कैलेंडर का पेज ऐसे घुमा दिया, उसके अलावा क्या बदला? सब कुछ तो ऐसा ही है। कौन सा दुनिया में जस्टिस कायम हो गया, कौन सा इक्वलिटी आ गई, कौन सा वुमेन सिक्योरिटी आ गई, रेप्स खत्म हो गए, क्राइम खत्म हो गए, हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार खत्म हो गई, क्या अच्छा हुआ है बताओ? सेलिब्रेट करने की क्या बात है? कोई बात नहीं है। मसला ये हमारा कि हम साल को ब्लेम करते हैं, हम टाइम को ब्लेम करते हैं कि 2020 बड़ा मनहूस साल था, 2020 से हमें उम्मीद है ये वो इस तरह से। भाई साल मनहूस नहीं होता, टाइम मनहूस नहीं होता, मनहूस लोग होते हैं। अगर हम बदलेंगे, अगर हम चेंज लाएंगे अपने अंदर, बेटरमेंट लेके आएंगे, तब 2021 बेटर होगा, वरना नहीं होगा। वरना जितनी मर्जी उम्मीद लगाओ, टाइम टू टाइम साल बाय साल चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी, और फितने आएंगे, और मसले होते जाएंगे। अभी 2021 आया ना, 22 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, ये चलता जाएगा जब तक हम मरना जाए। लास्ट में मरना ही है भाई। मेरी 20 एज है, आपकी जितनी भी एज होगी जो भी देख रहे हैं, भाई मुझे पता है कि 20 ईयर्स कैसे बीत गए मुझे पता नहीं चला। मैंने ऐसा क्या अचीव किया? अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ट्रेजर रखा था, क्या मैंने वो उसको अपना जो मेरा पोटेंशियल था मैंने उसको पूरा यूज़ किया? क्या कोई लेगेसी छोड़ के जा रहा हूँ? मैंने ऐसा कौन क्या उखाड़ लिया मैंने अभी तक? और जब मैं मर जाऊँगा, ठीक है, जब लास्ट एज होगी मेरी, तब भी मैं ही सोचूंगा कि भाई इतनी जल्दी टाइम बीत गया। पता नहीं चलता टाइम का, टाइम बड़ा फ्लो में चलता है और टाइम को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। ये कैलेंडर मिनट घंटे वीक से सारा तो हमने अपने इजी मतलब इसको एक मेजर करने के लिए बनाया ना, वरना आप देखो टाइम है क्या? नो वन कैन डिफाइन टाइम। बस इतना पता है सबको कि टाइम बीतता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, कोई रोक नहीं सकता। जितने लोगों के पास बिल गेट्स हो, कोई भी हो, एलॉन मस्क, जितने भी लोगों को बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, चांद तक पहुंच गया, पता नहीं क्या कुछ कर लिया, उनको बोलो सारे बिलियंस ऑफ डॉलर लगाओ और अपने आप को जवान कर दो, फिर से अपने आप को बच्चा बना दो, अपने आप को मतलब टाइम आगे पीछे करके दिखाओ, टाइम के साथ खेल के दिखाओ। नहीं हो सकता, टाइम फ्लो में चल रहा है, ये नहीं टाइम नहीं रुकता, कुछ भी हो जाए, हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टाइम चलता रहेगा हमेशा। और इन सारी छोटी मोटी डिबेट्स में पढ़ने से अच्छा कि भाई मना सकते हैं, विश कर सकते हैं, ये इन सबको साइड रखो। इनसे बहुत बेहतर होगा अगर ये चीज़ सोचे कि भाई 2020 से हमने लेसन्स कौन से सीखे, व्हाट आर द लेसन्स वी हैव लर्न फ्रॉम 2020 और अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन वगैरह जो सारी चीज़ें, भाई आपको भी पता है कि 2-4 दिन की चांदनी होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्शन पकड़ो कि यार ये डायरेक्शन है मेरी, और हर दिन काम करो, हर दिन को एज अ यूनिट बनाओ। भाई कुछ नहीं पता, अगर देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में हमें पता है कि यार दिसंबर में एग्जाम है, बंदा लास्ट के महीने में पढ़ लेता है, ओके। लेकिन लाइफ का जो टेस्ट है ना, इसमें हमें टाइम लिमिट ही पता कि एग्जाम कब होगा। हम कल भी मर सकते हैं, हम 10 साल बाद भी मर सकते हैं और 50 साल बाद भी मर सकते हैं, तो रिस्क क्यों ही लेना? लोग कहते हैं ना रिस्क है तो इश्क है, भाई इस मैटर में रिस्क है तो फिर जहन्नम है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम फिर चले जाएंगे उधर को, लाइक इसीलिए बचने की जरूरत है। मैंने कल और आज में मैंने 2 एक्सीडेंट देखे हैं, और छोटे मोटे एक्सीडेंट ही तगड़े वाले एक्सीडेंट की भाई सर फट जाना और ये सारी चीज़ें, मतलब मूड खराब हो गया मेरा पूरा। क्यों भाई, जब वो घर से निकला, क्या उसको पता था मेरा एक्सीडेंट होगा? अगर उसको पता था तो निकलता ही नहीं, कोई भी इस नियर से नहीं निकलता मेरा एक्सीडेंट होगा ना। तो लाइफ को, ये तो चलो एक एस्पेक्ट था, कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी रीजन से हम मर सकते हैं, और कभी कभी डेथ तो बिना रीजन के भी आ जाती है। तो जब हमें पता है कि हमारा ऐसा टेस्ट है जिसका कोई स्पीड ब्रेक करनी है, जिसका हमें पता नहीं कि यार यहाँ तक होगा एटलीस्ट, है ना, कुछ नहीं पता, तो भाई बेटर है कि हम हर दिन काम करें। डायरेक्शन पकड़ो साल की, 2021 मेरी ये डायरेक्शन होनी चाहिए, हर दिन को यूनिट बनाओ और उस पर काम करो। मेरी प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं साल का सोचता था, महीने का, 6 महीने का सोचता था कि ऐसे से होगा, फिर होता कुछ नहीं था लास्ट में। अब मैंने सिंपली रख लिया कि यार डायरेक्शन है मेरी, है मुझे ये तक जाना है, मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊँगा, लेकिन डेली बेसिस पे काम करना है। हर दिन मैं जितना कर सकता हूँ ना, जैसे मेरा लास्ट डे हो, मतलब मरने वाला डे, अगले दिन मैंने मर जाना है, गारंटीड मर जाना है। और उस तरह से बंदा जब काम करता है ना डेली बेसिस पे, तब जब दिन पे काम करता है, दिन से साल बनता है और साल बड़ा तकड़ा जाता है, प्रोडक्टिव जाता है, और ऐसे हर कोई करे तो 2021 बहुत अच्छा हो जाएगा। तो टाइम को ब्लेम मत करो, खुद पे इंट्रोस्पेक्शन करो। साल का एंड इज द बेस्ट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट कि यार मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, साल तक मैंने कौन सी गंदी हैबिट्स थी, ये सारी चीज़ें आपको पता है। इंट्रोस्पेक्ट करो, क्वेश्चन करो, डिस्कवर अल्लाह, एंड देन यू विल वर्शिप अल्लाह, देन यू विल लव अल्लाह, और अपने पोटेंशियल को जानो कि यार अल्लाह ताला ने मेरे को इस दुनिया में भेजा तो क्यों भेजा। ये लाइक फ्लो में पैदा हो गया और निकल गया, मर गया ऐसे, यार क्या है, इस चीज़ को समझो, ये बड़ी तगड़ी गेम है लाइफ की, इसको फ्लो में मत जाने दो कि जैसा हो रहा है, जैसे लोग चल रहे हैं वैसे मैं भी चल रहा हूँ। अगर आपको भीड़ से हटना है तो आपको अलग तरीके से सोचना है, सिंपल सिंपल बात है, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं, अलग तरीके से सोचना है और हर दिन काम करना है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये साल हमारा बहुत अच्छा जाए और हम अपने पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि अपने पे इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं होती, अपने पे इन्वेस्टमेंट वो बहुत बढ़िया चीज़ रहती है। और अल्लाह ताला इस साल को अच्छा रखे और एज अ ह्यूमैनिटी पूरी इंसानियत को सही रास्ते पे लेके आए।